नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह बत्रा आप सभी का स्वागत करता है हमारे YouTube चैनल GSB फिट में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। इसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी, इसको बोलते हैं ईडा नाड़ी, बीच में क्या है सुषुम्ना, हमारे आईब्रोज के बीच में अज्ञा चक्र। इस प्राणायाम के अंदर हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ऐसे हम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट तक, इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, धीरे धीरे हम प्रोग्रेशन करते हैं। अगर आपसे लगता है कि मैं इतना नहीं कर पा रहा तो आप 1 मिनट, आधे मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट शुरू कीजिए। प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन, फायदे क्या हैं इस प्राणायाम के? प्राणायाम लाइफ एनर्जी, यमा कंट्रोल, प्रैक्टिस ऑफ ब्रीदिंग। जिसने अपनी ब्रीदिंग को, अपनी ब्रेथ को पे नियंत्रण पा लिया, उसको मैं ये मानता हूँ निरोगी काया, वो काया बन गई निरोगी, उसको कभी कोई रोग नहीं हो सकता। सबसे बड़ा फायदा प्राणायाम का। प्राणायाम आपको लेके जाता है प्रत्याहार की तरफ। क्या है प्रत्याहार? विड्रॉल ऑफ सेंसेस। इन सब जो लस्ट है, आंखों की लस्ट, जीवा की लस्ट, कान की लस्ट, दिमाग की लस्ट, सब लस्ट से आपको ऊपर ले जाता है, धारणा ध्यान समाधि की तरफ लेके जाता है ये प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी VO2 मैक्स बढ़ता है। जो एथलीट्स ये देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों के लिए क्या होता है VO2 मैक्स? मैक्सिम ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड यूटिलाइज ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज। जिस आदमी का, जिस एथलीट का VO2 मैक्स बढ़ेगा, हमारे देश की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, वो बढ़ेगी और देश में मैक्सिमम गोल्ड मेडल आएंगे। इसी के साथ साथ जिनका BP हाई रहता है उनके लिए प्राणायाम औषधि है, बहुत बड़ी औषधि है। BP को कम करता है ये प्राणायाम। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोमनिया, डिप्रेशन, अग्रेशन, सबको कम करता है ये प्राणायाम। इस प्राणायाम के अंदर मेरा डायफ्राम, मेरे ऑब्लिक्स इंटरनल एक्सटर्नल, मेरे इंटरकोस्टल मसल्स इंटरनल एक्सटर्नल, मेरा रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जितनी मेरी कोर मसल्स हैं सब इन्वॉल्व हैं इस प्राणायाम के अंदर। इस प्राणायाम को करने का तरीका, इस प्राणायाम को करने का तरीका है, सबसे पहले आप सब बनाइए मेरे साथ ज्ञान मुद्रा। कमर सीधी, चेस्ट आउट, नेक सीधी, जितनी छाती बाहर रहेगी उतना अच्छा आप ऑक्सीजन एयर को इन्हेल कर पाएंगे और जो एयर इन्हेल होगा वो जाएगा कहाँ पे? आपके लंग्स में। लंग्स बड़े करिएगा गुब्बारे की तरह, एक्सहेल, लंग्स स्क्वीज्ड। अपने दाहिने हाथ से सब बनाएंगे मेरे साथ वायु मुद्रा। ये आपके इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को रखिए अपने बॉल पे, हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये बन गई क्या आपकी वायु मुद्रा। इस प्राणायाम के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं अपने अंगूठे को, अपने मिडिल फिंगर को, अपने रिंग फिंगर को, और जो हमारी पिंकी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, वो फ्री रहेगी इस प्राणायाम के अंदर। सब मेरे साथ अपने राइट नॉस्ट्रिल पर रखिए अपने राइट थंब को। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी लंबी श्वास भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल छोड़ देंगे।
आनंद आया, मुझे तो बहुत आनंद आया, एकदम दिमाग शांत हो गया। मुश्किल से 4 या 5 बार करने में ही मेरा दिमाग शांत हो गया। ये है इस प्राणायाम के फायदे। बहुत ही अद्भुत औषधि है, बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है अनुलोम विलोम। गर्भवती वही महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई मेरा साथी जिसको एनीमिया है, वो इस प्राणायाम को किसी के सुपरविजन में करे, किसी पढ़े लिखे योगा टीचर के सुपरविजन में करे। अगर आपकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है हार्ट की, बैक की, ब्रेन की, तो आप ये प्राणायाम ना करें। जिन मेरे भाइयों बहनों का, मेरी माताओं का, बुजुर्गों का, अगर आपका बीपी ऑलरेडी लो रहता है तो आप ये प्राणायाम ना करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँ। आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से प्रणाम।